हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ दुआसिनी। देखिए, मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यहाँ पे सारी पूजा बहुत अच्छे से चालू है। आज भी मुझे एक दो भाई का मैसेज आया, मुझे रिपोर्ट भेजे कि माँ हमें कोरोना हो गया, ये हो गया। देखिए, ये महामारी की बीमारी है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम दुआ कर सकते हैं। डॉक्टर भी अपनी दवा कर रहे हैं। मैं तो देखो, मैंने पिछले साल भी बहुत सारा हवन हवन करके लोगों तो जितना हो सका बचाया। अभी भी डेली की पूजा पाठ चालू है। रात को भी कल मैं जितना देर बैठ सकी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पूरी रात नहीं बैठ सकी थी, 2-2.5 बजे तक बैठी थी। जितना बैठ सकी मैं लोगों के लिए जाप वो सब कर रही हूँ। इस वक्त अपने आप को संभालो और सबसे बड़ी बात, घर में रहो। है जो बोलते हैं ना, दारू की दुकान है, सब दारू पीना नहीं है, लेकिन अल्कोहल ला कर सबसे अच्छा सैनिटाइजर वही है। थोड़ी सी बुखार सर्दी खांसी हो उसको एक ढक्कन पियो, घर में नीम के पत्तों का तोरण लगाओ, नीम के पत्तों से पोछा मारो, और जो सूखे हुए नीम के पत्ते रहते हैं उनसे घर में धुआं करो। ये सारी चीज़ें करने से ही आपको फ़ायदा होगा और कुछ नहीं, क्योंकि इस वक्त और जो जहाँ है वहीं रहे। मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मत बोलो कि मैं आपको गलत बोल रही हूँ। सब सोचेंगे खाएंगे क्या, आपके से ज़्यादा तो मेरा बुरा हाल है। मैं तो ऐसी हालत में हूँ तो भी मैं घर में हूँ, मैं लोगों की पूजा ले रही हूँ। जो भी काम है, मतलब मजबूरन मुझे काम करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। जहाँ पे लोगों की 50-50 हज़ार की पूजा थी, वहाँ 20-25 हज़ार जो भी उनका पूजा करके उनको ठीक कर रहे हैं। क्योंकि अभी कैसा है मालूम है, ये महामारी का रोग है। यहाँ पे दुर्गा सरस्वती में कहते हैं, न रोगा न शेषा न पहनशे, तुष्टा रुष्टा न कामा न तू शक्ला न भिष्टा। ये मंत्र का जाप आप कभी भी अगर करो, या तो कुंजिका स्त्रोत का, कभी किसी को डर लगे ना, कुंजिका स्त्रोत का महामारी का पाठ करो, बीमारी आपके घर तक नहीं आएगी। और जब तक विद्या देवी है बिल्कुल नहीं आएगी। डेली एक सिगरेट और दो अगरबत्ती लगाओ। सिगरेट न मिले तो मालूम है कोई गरीब है। दो अगरबत्ती लगा के बाँ से बोलो, बॉडी वाला शाह समाधि वाली माँ, हम गरीब है, हमारा खाने पीने का ध्यान रखो, हमारे तो कोई मुसीबत ना है, हमारे घर तो कोई बीमारी ना है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, यह बीमारी को हवा बना दिया गया है। आज से पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, जो जहाँ है वही रहे। देखिए कितने लोग जो शुरू से बॉम्बे में रहते आए, वो गांव जाने को जो सोच रहे, ऐसे मत करो। कमाने के टाइम आप बॉम्बे आते हो और ऐसे गाँव भाग रहे, समझ लो खाने पीने की दिक्कत है, लेकिन इस मुसीबत पर आप बॉम्बे छोड़ के गाँव भागोगे तो यहाँ के लोगों का क्या होगा। कितने मारवाड़ी राशन की दुकान बंद करके भाग गए, भाजी वाले भाग रहे, ये गलत बात है ना, ये अच्छी बात नहीं। आम इंसान की जिंदगी कैसे चलेगी, थोड़ा यहाँ रहो, सब करो और भरोसा रखो। और गाँव भागने से सोल्यूशन नहीं। देखिए जो चौप, जैसे आप कई गांव में रहते हो तो आजूबाजू में शुरू से गांव में एक दूसरे से मदद ले सकते हो। जैसे हम बॉम्बे में हैं, बॉम्बे अभी मेरे घर में रेनू का काम करती है, एक है, वो पिछले साल मेरे 50 बार मना करने के बाद भी गांव चली गई। क्या हुआ उसको, वहां जाके उसको वहां पे खेती में काम करना पड़ा। देखिए कोई आपको घर में राशन ला के नहीं देगा, बड़ी बड़ी सरकार बोलेंगे 2,000 डाल देंगे, 5,000 डालेंगे, कोई कुछ नहीं डाल रहा है। इस वक्त एक टारगेट बनाया गया है कि टारगेट में इतने लोगों को मारो। यहाँ तो मैं बता रही हूँ, छोटे बच्चों को बिल्कुल हॉस्पिटल गलती से ना लेके जाएं। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले फेसबुक पे देखा था कि कितने बच्चों को, क्योंकि उनमें एनिमिटी कुछ तो क्या बोलते हैं, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो कुछ ज़्यादा होता है, उन बच्चों में से निकाला जा रहा है। गर्भवती औरतों को जो बच्चे हो रहे, देखो कितने बच्चों को दिखाते कि मर गए, कोरोना हो गया, नहीं, ये जबरदस्ती मारा जा रहा है उनकी इम्यूनिटी। जो बड़े बड़े करोड़पति लोग जो एडमिट हो रहे, वो क्यों नहीं मर रहे कोरोना से, क्योंकि उनका इलाज कर दिया जा रहा है। और जो गरीब है उनको मार दिया जा रहा है। पैसे इतने मांग रहे, मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांग रहे, 10-15 लाख की बेड दे रहे। आप सोचो, आप लोगों को लगता होगा इस वक्त तो सबसे बड़ी दुविधा में मैं हूँ विद्या देवी, क्योंकि मुझे एक तो दर्द नहीं आ रहा, और जब दर्द आएगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन मुझे पता है आप जैसे भाई बहन हैं, सब लोग हैं मेरा परिवार, तो ज़रूर बाँ को सीवती लगाओ। मुझे पता है मेरा केशव एकदम शान से आएगा, है तो ज़रूर वो अच्छे से, बहुत टाइम ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये देखिए, भगवान की औलाद है, आप चाहे मानो मत मानो, भगवान की औलादों का हमेशा देखो वो टाइम से लेट ही आते हो, लेट आके बहुत दिमाग पे, क्योंकि जब बाप ही इतने गुस्से वाला है तो बेटा कितना होगा। मैं एक ही बात बोलूंगी, थोड़ा सा सब्र रखो, काम सब होएगा। और यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे को एक एक जन मैसेज भेजते ना, माँ कोरोना हो गया, बचाओ बचाओ, मुझे इतना दुख होता है, इतना रोना आता है कि कैसे करूँ मैं, तो भी मैं कर रही हूँ। मैं यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के विनती है, मत जाओ घर से बाहर, मत जाओ शादी ब्याह में इधर उधर। जान बचेगी तो लाखों पाए, जब जान बचेगी तब तो आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना। आपके चक्कर अभी आप देखो, कहीं शादियां जा रहे, पता नहीं वहां कौन है, अभी यहां से सब बंद कर दिया यातायात, क्यों, क्या कर रहे, सब रिक्शा विक्शा लेके गांव जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल भराते गांव जा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है मालूम है, जहां पे लोग जो सेफ हैं, अब यहां से जो लोग जा रहे हैं नकली रिपोर्ट बना बना के जा रहे हैं, यहां से जो लोग तो जा रहे हैं, वहां जहां जा रहे हैं वहां जो लोग सेफ हैं उन लोगों को भी बीमारी में डाल दे रहे हैं, ऐसे मत करो। दूसरी बात, घर में कोई नया सदस्य नहीं लो, कितना भी गांव का पुराना हो, चाचा मामा दादा कोई भी, भाई अपने अपने घर पे पड़े रहो, किसी को मेहमान नवाजी के लिए घर में मत लो। मजबूरी हो तो अलग बात है,
दूसरी बात, क्योंकि आज की तारीख में कोई रिश्ते नाते काम नहीं आते। दूसरी बात, नवरात्रि का लास्ट दिन 22 तारीख को है, कोई नौकन्या जिमाने की जरूरत नहीं, कोई अपने बच्चे घर में नहीं भेजेगा। मैं बोलूँगी उससे अच्छा हलवा पूरी का पैकेट बनाओ, चार चार पाँच पाँच हलवा पूरी का पैकेट बनाओ, गरीबों को जाके, गरीबों को क्या, हमारे जो जान पहचान में उनके घर पे जाके, या तो किसी भी गरीबों को 9-10 पैकेट देके माँ का उद्यापन करो। कोई दिखावा जरूरत नहीं, क्योंकि इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरत अनाज की है। अनाज रहेगा तो ही काम होगा, पैसा काम नहीं आएगा। अनाज हो सके तो अपने घर में कहीं भी अनाज भर के रखो, क्योंकि अब की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। 30 तारीख के बाद और हालत ख़राब हो रही है। ये षड्यंत्र है, अचानक से कोरोना बढ़ गया, ये हो गया। मैं आपको यही बोलूँगी, पहले तो वो वैक्सीन वाला इंजेक्शन कोई मत लगवाओ, आधा ज़्यादा से ज़्यादा वही हुआ है। ये क्या षड्यंत्र है मालूम नहीं, लेकिन ये षड्यंत्र का खुलासा बहुत जल्दी होगा। एक बार मैं बस केशों से फ्री होती थी ना, तो मैं खुद हवन करती थी, लेकिन तो भी मैं पूजा कर रही हूँ। मुझे अपनी जान की नहीं पड़ी है, लेकिन मैं करूँगी पूजा, क्योंकि आप समझो आप लोगों से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट दशा में तो मैं हूँ, लेकिन तो भी मैं आप लोगों का साथ दे दूँगी और देती रहूँगी। जितने लोग हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, उसमें जो मंत्र है, रोगा न शेषा न पहनशी तुष्टा रुष्टा न तु कामा न शक्ला न विष्टा, ये मंत्र बहुत कामयाब है। इसको पढ़ के 11 बार पढ़ के पानी में दम करके पियो, घर में छांटो, सब काम अच्छा होगा। और हो सके तो जो मोमेडन में नादे अली एक पेपर पे लिख के उसको रैप करके काले कपड़े में करके दरवाजे पर टांग दो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा। और दूसरा, लोगों से डिस्टेंस बना के रखो, घर के बाहर मत जाओ, घर में ही जो हो, बच्चों को घर का ही खाना दो। और हाँ, अंडा तो ज़रूर रखो, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंडा फ्रूट्स ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी। सुबह के नाश्ते में उनको अंडा ज़रूर दीजिए। चिकन विकन तो भाई कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन अंडा बहुत पावरफुल। आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो वही दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, घर का खाना दो। रोटी सब्जी बना के दो, दाल एक टाइम दाल चावल बनाओ तो एक टाइम रोटी सब्जी बनाओ। लेकिन इस वक्त कैसा नहीं कि अनाज है तो आगे, क्योंकि आगे की हालत ख़राब होने वाली है। ये लोग ने देखो, करेंगे भी हम, भरेंगे भी हम, यही हाल इधर अपने नेताओं ने किया है। खुद ही बीमारी ला रहे, खुद ही। आप सोचो ना, एक भी बड़ा नेता क्यों नहीं मरा अभी तक, कोई मरा क्या? बोलिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी भाई, मुझे किसी के लिए बुरा नहीं बनना है, लेकिन मैंने तो अब तक नहीं देखा कि कोई बड़ा नेता मरा हो कोरोना से। लेकिन हमें किसी को बोलना नहीं, हमें सिर्फ अपने आप को बचाना है, मुझे मेरा परिवार बचाना है, मेरा परिवार आप लोग हो। बस ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सावधान रहे, जहां रहें घर में रहें। पिछले साल भी मैंने बहुत लोगों की मदद की थी, मैं तो अनाज से ही मदद करती हूँ अभी भी। मैं देखिए, आज घर में खाना बचाओ ना, फेंकिए मत, उसे चाहिए तो फ्रिज में रख दीजिए, आप खाइए, नहीं तो दूसरे दिन किसी आजू बाजू में देखिए, किसी गरीब को दीजिए, एक टाइम का पेट भरेगा। लेकिन ऐसा नहीं, घर पे टांग दीजिए, आदमी बंदा खाना लेके जाएगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत अनाज की है। दूसरी बात, गलती से भी बाहर मत जाइए, लॉकडाउन लग चुका है पूरी तरह से, पेट्रोल पंप बंद हो चुका है। पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से जो लोग चले गए उनको आने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सरकार तुरंत फैसला लेती कहीं नहीं, जब बोल रही है तो बातें सुनो। इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है कोई त्यौहार या कुछ मनाने की, पहले हमको अपना देखना है, हमारे बच्चों को देखना है। मैं तो पता है आपको, सच्ची बोलूँ, मेरे तीनों बच्चों को, मैं कैसी भी रह रही हूँ, उनको घर का खाना मिल रहा है, दाल चावल में हम बाहर नहीं जाने दे रहे। मैं तो केशव के पापा को भी कहा है, तुम जो खाना है पीना है घर में, दाल चावल वही खाओ, बाहर का ऐसे भी वो बाहर का कुछ नहीं खाते, लेकिन बाहर बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को घर का खाना दो, चीज़ दो, अभी क्या करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी फिर ये दिन आएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फिर ये दिन आएगा और सब चला जाएगा। पता नहीं मेरा केशव क्यों लेट कर रहा है आने में, लेकिन इतना पता नहीं कि मुझे भरोसा है कि सब ठीक होने वाला है। एक ही बार में हवा के झोंके जैसा ही बीमारी ख़त्म होगी। बस मैं करूँगी जरूर कोशिश, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि 30 तारीख के बाद लॉकडाउन ना लगे। पूरी भगवान से मनाऊंगी कि 30 तारीख बाद ऐसा कुछ चमत्कार हो कि लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाए। लेकिन उसके लिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, हम सबको जो जहाँ है वही, क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है ना, जरूरी। सैनिटाइजर रखिए, कपड़े में फिनाइल डालिए, बाहर किसी से वो ज़्यादा उम्मत कीजिए, जो भी हाथ धो के पानी पीजिए, लोगों से हाथ मत मिलाइए, गले मत लगाइए, दूर रहिए। कोई आ रहा है, फल फ्रूट खरीदिए तो उसे भी हाथ मत लगाइए, फल फ्रूट को पहले अच्छे से धोइए फिर उसको खाइए, ऐसे डायरेक्टली मत लीजिए। कोई अगर आपको हाथ लगा, बिल्कुल भी मत कीजिए, दूर से करो। ये जो मास्क लगाने की देर है, क्योंकि मास्क से क्या है, जब हम सांस लेते तो कीटाणु फैलते हैं, उसकी वजह से आता है, इसके लिए लोग कहते हैं मास्क लगाओ। तो अगर आपको लगता है कि बाजार का मास्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो घर में आप खुद बना लो, खुद करो। लेकिन जो फॉलो करने को बोल रहे करेंगे, मरने के बाद कोई भी जो नेता बड़े बड़े भाषण देते ना, मरने के बाद हमें बचाने नहीं आएंगे, मास्क मत लगाओ, ये मत करो। कितने लोग पुलिस वालों को मार रहे, गलती कर रहे, वो लोग अपना धर्म निभा रहे। इस वक्त हमारे जैसे पंडित, पुलिस और डॉक्टर, हम ही जो हैं आप लोगों को बचा रहे हैं, आप लोगों को यही बोलूंगी। या और जो लोग जानकार है, पुजारी है, जिनके पास शक्तियां नहीं है, हिम्मत, मुझसे लीजिए शक्ति, मैं शक्तियां देती हूँ। भाई खर्चा जो होता है,
जहाँ 10 रुपया होगा वहाँ 5 रुपया लूंगी, लेकिन शक्तियाँ लेके और लोगों की मदद कीजिए, इतना कीजिए, उल्टा मत बोलिए। अभी आपको झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, माँ आपने अभी कल पूजा की और यहाँ देखो हमने, मैं बोलते हमको देखो कोरोना हो गया, कोई बोलता हमको बीमारी हो गई, जस्ट अच्छा करा कोई नहीं बोलता। अगर अभी कोई अच्छा हुआ किसी के साथ, वो मुझे कोई नहीं बोल रहा है माँ हमारे लिए अच्छा हो गया, अब किसी को हो गया, अब बोलते हमने आपके लिए बुरा बोला था, हमने आपको एक बार उल्टा क्या बोल दिया, ऐसा हो गया। मैं किसी का नाम लेके नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ भगवान के सामने सीरियसली लगाती हूँ कि जो बुरा बोले उसको तुम देखो, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पूरा लॉकडाउन होके एक साल होने साल हो गया, हमारे घर में बच्चों को सर्दी खांसी भी नहीं हुई है, क्यों? लेकिन हम उस सर को फॉलो करते हैं, जरूरत लगी तो ही बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं तो। और मुझे ये मत डालो कि मैं क्या करूं, मैं मेरे जो भाई बहन जो मेरे साथ सिगरेट लगाते ना, मेरे स्टेटस चेक करो, वो लोग सबकी बैंड बजा रहे, जो मुझे उल्टा बोल रहे उनकी बैंड वही बजा रहे, भरोसा सबसे बड़ी चीज है, बस। तो आप भरोसा रखो और प्लीज अपने आप को, हम बचेंगे हम सेफ रहेंगे तो सब रहेगा। बाकी मैं हूँ यहाँ से डेली पूजा पाठ करूँ, किसी को कोई खाने पीने की कमी नहीं आएगी, और किसी को जो भी जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है उनका भी नेगेटिव आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। 72 घंटे में वापस जब वो रिजल्ट आएगा 7 दिन बाद उनका नेगेटिव आएगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग करो और शक्तियों को सिद्ध करो और मंत्र का जाप करो, कुंजी का स्त्रोत पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, नादे अली पढ़ो, ये सबसे बेस्ट है जो आपको बचाएगा। जय माता दी।